गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फिलहाल अभी रांची झारखंड में। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन ले करके खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी कि मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है, तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती हो वो बद्दी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती हैं वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले? हाँ, या नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं क्या होता है। भाषा मिसमैच मैं बताती हूँ। जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं, शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हाँ, हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। देखो, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो, जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो, प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादाएं हैं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार, अब कहें कि नहीं जी जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानतावश है। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है, इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना। अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के जमाने में फैशन का जमाना है तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं। समस्या तो यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। हाँ। लॉजिकली देखा जाए अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं सोच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं। काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती है अभ्यास से। अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया है। गाय भी ना, छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है। मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है। मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है। मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है। मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं, वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट, वो गाय बहुत छोटी सी होती, छोटी सी होती, इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं, आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं। मतलब इतनी छोटी गाय होती है वो। देखो, भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात गुरुजी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ, होती तो है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता, ऐसा उनके